बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरी थर्ड ईयर क्लास, आज हम फर्स्ट सेमेस्टर की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं जूलॉजी की। और जूलॉजी का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ जूलॉजी विद एग्जांपल्स एंड क्लासिफिकेशन। लेकिन ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ व्हाट इज़ जूलॉजी पढ़ाऊँगी आज, ठीक है। थर्ड ईयर आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं हर टॉपिक के नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगी और बुक्स भी बता दूंगी, ठीक है। आपने डेली का डेली लेक्चर याद करना है, मैं हर लेक्चर में आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया करूंगी, ठीक है। चलें शुरू करते हैं व्हाट इज़ जूलॉजी। जूलॉजी जो है, जूलॉजी का जो लफ्ज़ है इट इज़ ड्राइव फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स ज़ून एंड लोगियस, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ू मीन एनिमल्स होता है, आपको पता है, और लोगियस मीन स्टडी। जूलॉजी क्यों स्टार्ट हुई और जूलॉजी की स्टडीज़ क्यों ज़रूरी हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि देर इज़ अ ग्रेट वराइटी ऑफ एनिमल्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अकरिंग विद इन देम, सो इट इज़ वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट फील्ड इन ऑल ऑफ द साइंसेस। देर आर ओवर 2 मिलियंस ऑफ एनिमल स्पीशीज़, देर आर ओवर 20,000 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑफ बोनी फिशीज, ओवर 30,000 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑफ बीटल्स। देयर फॉर जूलॉजिस्ट यूजली स्पेशलाइज्ड इन वन और मोर ऑफ द ब्रांच ऑफ द जूलॉजी। बताने का मकसद ये है, ये इस पैराग्राफ का, कि हमारे इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सारे स्पीशीज एनिमल्स की, प्लांट्स की तो यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जूलॉजी है मौजूद हैं, इसलिए हमें इनकी स्टडी के लिए जूलॉजी की स्टडी रखनी पड़ी। देयरफॉर जूलॉजिस्ट यूजुअली स्पेशलाइज्ड इन वन और मोर ऑफ द ब्रांच ऑफ द जूलॉजी। दे मे स्टडी पार्टिकुलर फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और मोर एनिमल ग्रुप्स, और दे मे चूज टू स्पेशलाइज इन ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मीनिंग ये कि अगर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, जैसे 20,000 स्पीशीज़ सिर्फ फिशीज़ की, बोनी फिशीज़ की हैं, 30,000 स्पीशीज़ जो हैं वो बीटल्स की हैं, तो इन सारे एनिमल्स को एक बंदा स्टडी नहीं कर सकता, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना दी गई और डिफरेंट इसको स्पेशलाइजेशन इसमें कर दी गई। एग्जांपल जैसे आपको बताती हूँ, द स्टडी ऑफ फिशीज़ इज़ कॉल्ड द इक्थियोलॉजी। सिर्फ फिशीज़ की जो स्टडी करता है, आप लोगों में से भी अगर कोई स्टूडेंट फिशीज़ पर सर्च में चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इक्थियोलॉजिस्ट। द साइंटिस्ट हु स्टडी फिशीज इज कॉल्ड द इक्थियोलॉजिस्ट। ही वर्क इन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फंक्शन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ फिशीज, ठीक है। वो क्या क्या स्टडी करेगा, फिशीज़ का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी एकोलॉजी, वो कहाँ रहती हैं, एवोल्यूशन, ठीक है। दीज स्टडीज हैव रिवील अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिशीज। वन लार्ज ग्रुप ऑफ फिशीज इज एक्टेड, इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका, ओवर 1,000 स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन, 200 स्पीशीज इसकी वहाँ पाई जाती हैं। इंडिया में इसकी 3 स्पीशीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में 1 स्पीशीज है। मेम्बर ऑफ दिस ग्रुप हैव अ ग्रेट वराइटी ऑफ कलर पैटर्न हैबिटेट्स एंड बोनी फिशेस बॉडी फॉर्म्स, ठीक है। इनमें से एक मिसाल वो दे रहा है कि इसकी जो वैरायटी है वो इतनी ज़्यादा है। द फीडिंग हैबिट्स इक्थियोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्स अ वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिट्स इन चिलीलिड्स। दीज फिशेस इंक्लूड्स, इसमें जो फिशेस हैं इनकी फीडिंग जो हैबिट्स है वो डिस्कस कर रहा है कि एल्जी स्कार्प्स लाइक एरिटमोर्स इट कट एल्जीज विद चीजल लाइक टीथ। इसके अलावा इंसेक्ट्स पिकर्स भी हैं लाइक टेंगोनेट्स हैं, स्केल ईटर्स भी हैं लाइक पेरिसोडर्स हैं, जो इसमें ऑल चिडिलिट्स जो हैव 2 पेयर्स ऑफ जार्स। द माउथ जार्स आर यूज्ड फॉर स्कार्पिंग और स्क्रैपिंग्स और ग्राइंडिंग ऑफ फूड्स, एंड थ्रोट जार्स आर यूज्ड फॉर क्रशिंग और मेजरिंग ईटिंग द फूड देयर फॉर स्वेलिंग बिफोर स्वेलिंग, ठीक है। अब ये इसकी थोड़ी सी बता रहा है, स्टडीज़ बता रहा है कि जो जूलॉजिस्ट होगा वो इन सारी चीज़ों को या इन सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करेगा। अब रिप्रोडक्शन इसकी अगर देखें तो जो ये फिशीज़ हैं ये अपने यंग वंस को
उनकी प्रोटेक्शन करती हैं। फीमेल्स ले एग्स इनटू हर माउस, देन शी इनहेल स्पेंड रिलीज बाय मेल्स, फर्टिलाइज एंड डेवलप्स टेक प्लेस विद इन द फीमेल्स माउथ इवन आफ्टर द एग्स हैच आर टेकन बैक इनटू द माउथ ऑफ द फीमेल्स इफ डेंजर्स कम्स। हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज इन द कलर पैटर्न्स इन द बॉडी फॉर्म्स बिहेवियर्स आर इनक्रॉप्टेड इन द फैमिली फिशेज। ठीक है, अब एक और चीज़ भी आपको मैं बताने जा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें तो हैं, इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं, इसलिए आगे से जूलॉजिस्ट की कई स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बना दी गई हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन इज एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स इज कॉल्ड द एनाटॉमी। ठीक है, इसी तरह साइटोलॉजी है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द साइटोलॉजी। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द इकोलॉजी। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी है, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू बर्थ आर हैचिंग इज कॉल्ड द एम्ब्रियोलॉजी। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। मोलेकुलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सब सेलुलर डिटेल्स ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड द मोलेकुलर बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन आर ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एट एक्सपेंस ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड द पैरासाइटोलॉजी। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। सिस्टमेटिक्स, स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप्स अमंग एनिमल ग्रुप्स इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक्स। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल इसलिए लंबी नहीं कर रही क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी और वीडियो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन जूलॉजी बाई टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं उसमें आप देखें, ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे एंटोमोलॉजी है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। हाइपरसाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द एम्फीबियंस हो जाएगी। इसके बाद इक्थियोलॉजी, ये अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, स्टडी ऑफ द फिशेस होती है। मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ द मैमल्स। ऑर्थोनोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है। प्रोटोजोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स। ये तो इस तरह की ब्रांचेज भी हैं। इसी तरह एनिमल, ये जो पूरी एनिमल्स की स्टडी है, ये आगे क्लासिफिकेशन आ गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, अभी आप इतना ही रख लें। ठीक है, आज का जो आपका वर्क वो ये है कि इन सब ब्रांचेस के को अच्छी तरह से याद करके फौरन मुझे ओके का मैसेज करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है याद करने वाला। आज मैं रिटर्न होमवर्क नहीं दूंगी क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है आपका। ये सारी ब्रांचेज आपने वैसे पहले भी पढ़ी हुई हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब ज़रा डिटेल से पढ़नी है। और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है इसका, इस सेमेस्टर का, और इसमें से आपके एमसीक्यूज़ भी बनेंगे, शॉर्ट भी बनेंगे, ठीक है, लॉन्ग भी बनेंगे।